Thank you, Honourable Member Sri Gurjit Singh Ajulaji. Thank you, Speaker Sir. Tusi 193 te bolan da mauka ditta. Bada gambhir visha hai. Kyunki is vishe de utte assi Home Minister jo baithe ne Amit Shah ji tuhade rahi unna nu jankari deni hai aur kuch jehde sade shanke ne assi unna agge rakhne hai aur kuch jehde sariyan partiyan da samuchcha sadan jehda hai असी एक चीज़ बड़े पिछले समय तो देखते आ रहे कि रोप प्रतिरोप ज्यादा होंगे ने उदा कंकलूड उदा जो सिट्टा आ उस विषय से किवें असी हैंडल करना आते असी गल नहीं करते हम साढ़े भी साथी एक बोल के गए उन्होंने सारा ही भाषण ऐ लग रहा है जिवें अपनी फ्रस्ट्रेशन कढ़ रहे हुण कि साडा उत्थे राज भाग नहीं हैगा वह किवें वापस आ सकता अज का जिहड़ा विषय अज देश सुनना चाहुंदा है कि अज ड्रग की स्थिति की है मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर देखिए इंडिया ग्रोइंग कंट्री है बहुत बड़ी पापूलेशन है एशिया के इस खित्ते में हमारा मुकाबला चाइना से पाकिस्तान से और भी जो इर्द गिर्द कंट्रीज हैं उनके साथ है समय समय पे वो कभी भी नहीं चाहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि हिंदुस्तान मजबूत हो यही कारण है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सब डिस्टर्ब रहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी रहती है टेररिस्ट के साथ साथ पिछले 10-15 साल से ड्रग ने एक नया रूप धारण कर लिया है अभी जयशंकर जी यूनेस्को में बोल के आए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पे इन्होंने बयान दिया है इन्होंने बोला था कि जो टेररिज्म एक्टिविटी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ये जब तक बंद नहीं करता हम इससे बात नहीं करेंगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री जयशंकर जी से कि ऐसी बात आप ड्रग्स टेररिज्म पे भी बात कीजिए क्योंकि ड्रग टेररिज्म का सबसे बड़ा जो माई बाप है वो अफगानिस्तान जो गोल्डन क्रेसेंट है अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान का जो पहाड़ी एरिया है उसमें सबसे ज्यादा यह चीज पाई जाती है हमारा जो कंट्री की एक दिक्कत है एक लाभ भी है कि पॉपुलेशन कंज्यूमर ज्यादा है हमारी उसके साथ जो पिछले लंबे समय में रोप प्रतिरोप के बीच हम हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 स्थान पे चले गए पॉवर्टी पे हम नीचे आ गए हेल्थ इश्यू पे आप देखा ही है ओलंपिक में एक मेडल लेने जाएं वो भी अपने हाल देखा ही है मतलब डे प्रतिदिन टाइम तो गुजरता जाता है रोप प्रतिरोप लाकर देश आगे नहीं चल सकता मेरा मानना है जब तक हम इकट्ठे होकर एक पॉलिसी के ऊपर कंक्रीट काम नहीं करेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस समय समय पे इसको ठीक करने के लिए क्योंकि जो ड्रग्स का इश्यू है 15 साल से 23 साल के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है क्योंकि जो आदमी 30-35 साल का है वो तो जिंदगी समझ जाता है लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो एक एनजीओ का सर्वे है कि जितने भी पेशेंट ड्रग का इलाज कराने के लिए आते हैं 63.6% उसमें 15 साल के नीचे के हैं जो बाकी के हैं कुछ 20 साल के हैं और कुछ उससे ज्यादा के हैं ये गंभीर चिंता है मानते हैं कि 2 करोड़ पर ईयर नए जो बच्चे हैं जो नए लोग हैं वो ड्रग एडिक्शन में शामिलियत करते हैं ड्रग लेना शुरू करते हैं 55,000 पर डे बनते हैं जिस कंट्री से हमारे मुकाबले हैं जो विकसित कंट्री हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं अमेरिका की आप बात कर लेंगे तो 3,000 पर डे वो लोग स्मोक में जाते हैं हमारे बच्चे शुरू करते हैं तंबाकू से शराब से और भी कई तरह की चीजें हैं छोटा छोटा जो माहौल होता है अभी जब बात हो रही तो अल्कोहल के ऊपर बात हो रही थी मैं कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब ये बातें क्यों आती है कि अल्कोहल ड्रग्स है नहीं है ये ड्रग्स कम है ज्यादा है क्यों है सर जब भी कोई सर्वे आता है तो सर्वे पढ़ के हम लोग इधर आ जाते हैं पार्लियामेंट में बोलने के लिए जहां जो भी हमारा रिसर्च सेंटर होता है वो सर्वे से ही लेके आता है और सबसे बड़ी तादाद 16 करोड़ अभी हमारे सांसद बोल के गए हैं कि 16 करोड़ लोग अल्कोहल से जो लेते हैं उनमें 5% 2% एडिक्टेड है सर एक लीटर अल्कोहल से जिसकी कीमत आप ज्यादा से ज्यादा जो आम लोग लेते हैं 500-700 हजार रुपया तय कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 लोग शराबी हो सकते हैं 1 किलो हेरोइन की जो कीमत है वो अंतरराष्ट्रीय आप 10 करोड़ बताते हो स्टेट वाइज आप 5 करोड़ होती है और 1,000 ग्राम में आप मान सकते हो कितने लोग उसको मिक्स करके एडिक्ट होते हैं 1 किलो में 20,000 से ज्यादा लोग डिक्ट हो जाते हैं। तो जब आप ये लोग आंकड़े निकालते हैं ये कहां से निकालती है जो आपकी जो
ये एजेंसीज बनी हुई हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस के अंदर भी हैं, ये कंजप्शन देख लेते हैं कि अल्कोहल की बोतल की कंजप्शन कितनी है, क्योंकि वो लीगल है, सब जगह से पता चल जाता है कौन सी स्टेट में कितनी अल्कोहल की बोतल लगी है, उसमें से वो पर बोतल के हिसाब से आपको आंकड़े दे देते हैं। लेकिन जो हेरोइन है ये लीगल नहीं है, ये बॉर्डर पार से आता है, कोकीन है, ब्राउन शुगर है, ये आंकड़े वो दे नहीं पाते। उसके आंकड़े मैं कहना चाहता हूं अल्कोहल से कहीं ज्यादा निकलेंगे यदि आप सर्वे कराएंगे नीचे जाकर। मैं पंजाब की भी बात करूं तो वहां भी आप देख सकते हो, बार बार पंजाब की बात आती है, मैं उस पर बाद में आपसे बात करना चाहता हूं। सर जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, कोई शक नहीं सरकार कोशिश करती है हर समय के कोई ना कोई बच्चों को एजुकेट किया जाए कि छोटे बच्चे कैसे इस अलामत के करीब ना आए। हमारा मानना है कि अच्छी एंटी ड्रग एजुकेशन छोटे बच्चों को पांचवी से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए हम मुंह बंद करके हम बोलेंगे उसको क्यों बताना है, सब कुछ तो हो रहा है, अब बताने का रह क्या गया है। बोलेंगे ये क्यों बताते हो, आप नहीं बताते, वो घर देखते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसका बाप जब प्रोक्सी वन खाता है, जब गोली खा के वो सोता है, जब डोडे पोस्ट पीता है, ये सब चलता है। लेकिन अब बच्चों को कैसे बचाना है, जब हम एजुकेशन देंगे हो सकता है बच्चे ये बात ये चीज से दूर हो जाएं। सर जो गोल्डन क्रेसेंट है अफगान पाकिस्तान, जो हमारा ये खित्ता है ईरान है, ये एक रूट बना लिया इंडिया उन्होंने ड्रग्स की स्मगलिंग का। टोटल वर्ल्ड में 9000 टन अफीम की पैदावार होती है, 8000 टन सिर्फ ये गोल्डन क्रेसेंट में पैदा होती है। अब वहां तक तो वो रहे नहीं है कि यही पैदा होगी, अब उसके बाद उन्होंने ब्राउन शुगर इससे तैयार करना शुरू कर दिया, हेरोइन शुरू कर दिया, कोकीन शुरू कर दिया। ये बातें हम छोटे सुनते थे कि जो बड़े मेट्रो सिटी है वहां रेप पार्टी होती है, वहां ऐसे नशे चलते हैं, लेकिन ये नशे उन कंट्रियों ने हमारे इंडिया को खराब करने के लिए, हमारी सोसाइटी को खराब करने के लिए, हमारी अगली पीढ़ी का नुकसान करने के लिए उन्होंने हमारे ही लोग जो इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग उनके स्मगलर बन जाते हैं, कुछ और तकनीक यूज करके उन्होंने इंडिया में भेजने शुरू कर दिए हैं। अब उनका ध्यान सबसे ज्यादा यही है कि इंडिया की जो छोटी पॉपुलेशन है, जो स्कूलों में पढ़ती है, उनके ऊपर मैक्सिमम ड्रग्स में उनको डाल दिया जाए। लेकिन सर जब वो ड्रग्स ज्यादा यहां निकलने का रास्ते बन गए, कोई शक नहीं कि हर जगह पे चेक है, हम लोग चेक करते हैं, सिस्टम है। लेकिन मैं HM साहब कहना चाहता हूं, बड़े दुख से बात कह रहा हूं, हमारा ट्रक्स के अंदर लगा हुआ है अटारी बॉर्डर के ऊपर। 2012 में आप ICP का UPA गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया था, आपकी गवर्नमेंट आई 10 साल बाद, पूरी मशक्कत के पास बाद रजीजू जी गए थे 2018 में और कह के आए थे कि अब ट्रक्स के अंदर लग जाएगा। 10 साल मशक्कत के बाद ट्रक स्कैनर जब लगा तो फिर पता चला कि ये ट्रक स्कैनर उसके काबिल नहीं है। सर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारे सिस्टम को आगे नहीं बढ़ना देते, हम तो उलझे हुए हैं, आपका सारा जोर लग जाता है, ये कांग्रेस ने 70 साल नहीं किया, ये 50 साल नहीं किया, हमारा जोर लग जाता है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नीचे वाक्य कुछ नहीं हो रहा। ध्यान देने की वहां हमें जरूरत है। सर देश में भी कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे अफीम की लीगल खेती भी है, क्योंकि अफीम ज्यादातर मेडिसिन में भी यूज होती है और ये ड्रग इसीलिए इनको मान्यता दी गई थी कि लोग ज्यादातर जो पेन किलर है उसमें मॉर्फिन के जैसे इंजेक्शन है, पेन किलर के तो ट्रेडामोल है, ये सब यूज होते थे। लेकिन अपने देश में भी राजस्थान है, MP है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, UP है, उड़ीसा है, सर एक नेशनल पॉलिसी जहां चाहे खेती नहीं भी होती उनको इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितनी अफीम वहां पैदा होती है मेरा मानना है कि वो अफीम ज्यादा पैदावार होने की वजह से इलीगल तरीके से दूसरे प्रदेशों में भी जाती है। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम पार्लियामेंट में खड़े हैं, हम छोटे होते थे, ये अलामतें हम छोटे होते देखते हैं, कभी अफीम खाने वाला मरता नहीं था, कभी देसी शराब पीने वाला मरता नहीं था, एक था।
अब सर हुआ क्या है कि जो महंगा ड्रग्स है वो तो ऊपर वाले लेने लग गए, अब फंस गया गरीब, अब जो स्मगलर थे उनके हाथ में क्या आ गया, उनके हाथ में आ गई ट्रेमाडोल, प्रोक्सीवन, जो मॉर्फिन इंजेक्शन है, जो हाथी को बेहोश करने वाले इंजेक्शन है। मैं सर ये हकीकत बता रहा हूं ग्राउंड की, ये सबको मिलाकर और भी सस्ते तरह का ड्रग को मिलाकर ये लोग अब इंजेक्ट करना शुरू कर दिया बच्चों के अंदर। अब जो मौतों की दर हो रही है सर, जो महंगी हीरोइन जो आप 10 करोड़ की बात करते हो वो आम आदमी गरीब खरीद नहीं सकता, जो स्ट्रीट में घूमता घूम रहा है, जो स्कूल में आप स्कूल का सर्वे चेक कीजिए कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल होते हैं पांचवीं से, जब वो दसवीं तक जाते जाते 75% आउट हो जाते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है सर, रोजगार तो है नहीं, रोजगार में नहीं लगते वो। और वो लोग जब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो वो धीरे धीरे फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, कई तरह की लामते हैं, और वो ड्रग्स में तभी तंबाकू से सिगरेट से शुरू करते हैं, फिर इसमें धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं सर। सर जो ये मेडिकल ड्रग्स हैं ये इंजेक्शन के तौर पर भी यूज होते हैं। अब ट्रेमाडोल है सर, आम आदमी को ट्रेमाडोल लेनी बहुत मुश्किल है, आप भी लेने जाओगे आपको लिखा के जाओगे पर्ची पे बहुत मुशक्कत से देते हैं। मैं पंजाब से कितनी चाहिए मैं आपको इमीडिएटली पैदा कर देता हूं, 100 चाहिए 200 चाहिए इमीडिएटली मिलती सर, क्योंकि जो पैदा कर रहे हैं जो फैक्ट्रियों से बन रही है वो दिखाते कुछ है, पैदा कुछ करते हैं, इसलिए वो वहां तक पहुंच रही है सर। एक तो हमारी लड़ाई दुश्मन बाहर बैठे उससे है, एक जो अंदर के दुश्मन बैठे हुए सिस्टम में एक लड़ाई उनसे है, एक जो इसके ऊपर कंट्रोल करना है जिन्होंने कानून की एक लड़ाई उनसे है। क्योंकि सर अब हम ड्रग स्टोर को अब बात करेंगे तो ये बात हम बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल की सहूलत भी सबको चाहिए, लेकिन सर जैसे बाहर से कंट्रोल कोई टेक्नोलॉजी से होगा, लेकिन जो अंदर का कंट्रोल है वो पूरा ध्यान इसके ऊपर देने के बाद हो सकता है, ना कि रोग प्रतिरोध। अब मेरे को पता निकलेगा क्या, 70 साल में आपने इतना बीमार कर दिया, इतना ड्रग बेच दिया, ये हो गया वो हो गया, सर जो हुआ है हम हो सकता है उसी की वजह से इधर आए हूँ, आपको मौका मिला है आप इसके ऊपर थोड़ा और अच्छा काम कीजिए। सर अभी एक रास्ता सी पोर्ट का शुरू हो गया आपका गुजरात, अभी दुख लगा मैं सुनकर, हम सोचते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर भी वहां के हैं, होम मिनिस्टर भी वहां के हैं, आपकी सरकार भी वहां है। सर प्लीज काइंडली बहुत इंपॉर्टेंट इशू, सर सरकार भी आपकी है, लेकिन जब हमने सुना कि 3000 किलोग्राम ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पे DRI पकड़ती है तो हम भी बहुत शॉक हुए थे। एक बार नहीं, फिर 13 जुलाई 2022 को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पंजाब पुलिस के सांझे जतन से 75 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है, और मई 2022 को कोकीन 500 करोड़ की पकड़ी जाती है DRI द्वारा। सर ये जो दो कंसाइनमेंट लास्ट है जो हमारे ध्यान में जो आई है मीडिया के जरिए, ये एक यूए से आई है जहां बोलते हैं कि ड्रग्स वाले को सजा हो जाती है मौत की, एक दुबई से शुरू हुई है, ये एक नया रूट शुरू हो गया सर, जो जहां हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि ये भी एक एरिया है जहां से अब हमें ड्रग धकेला जा सकता है। सर ये कंसाइनमेंट तो पकड़ी गई है, हमें ये नहीं पता कि कितनी कंसाइनमेंट यहां से गुजर गई होंगी। पहले हम सुनते थे पंजाब है, अब ये इधर जब सांसदों से बात होती है तो सबको कह रहा है यार मेरे एरिया में भी आना शुरू हो गया है, मेरे एरिया में भी जाना शुरू हो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो महंगा ड्रग है वो तो जा रहा है बड़े बड़े सिस्टम में, लेकिन जो सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक अल्कोहल सर, सिंथेटिक अफीम, सिंथेटिक चिट्टा, ये सारा सर इधर तैयार होता है, इधर ही मशीनरी है, इधर ही सिस्टम है, और वो कोई शक नहीं इसमें कि वो हमारा सबका कोई ना कोई जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जो सिस्टम की खराबी ब्यूरोक्रेसी की भी है, हमारे भी कई लोगों की है, इसमें हमें कोई कहने की चिंता नहीं है, क्योंकि आपने भी वहां बीजेपी अकाली दल का राज रहा है, बहन जी बैठे हुए हैं, आपके समय ये इंट्रोड्यूस हुआ था सर वहां चिट्टा, और 5 साल हमने सुन लीजिए, मैं तो मैं कह रहा हूं सुन तो लीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा मैडम इस पे, आपको चिंता करनी, कोर्ट ने अंदर किया, मैं आपको मैं चिंता कोर्ट ने अंदर सर सर 5 साल हमने भी कोशिश की, हमारी कोशिश में कैप्टन साहब हमेशा कहते रहे हमने 50,000 को अंदर दे दिया, सर अंदर देना कोई हल नहीं है, 50,000 दिए कौन से हैं, जो पेडलर थे, जो छोटे पेडलर थे, जो पीते थे,
सर उसपे ऊपर फोकस ये करने की जरूरत है, हमें स्किल एंड डिटेंशन सेंटर बनाने होंगे, जो फर्स्ट टाइम पकड़ा जाता है, कोई जो सेकंड टाइम पकड़ा जाता है पीते हुए, कोई छोटा क्राइम स्नैचिंग का करता है, कोई चोरी का करता है, सर ये उससे ही आगे बढ़ते हैं। जब इन स्नैचरों को, छोटे क्राइम वालों को आप जेल में भेज देते हो, तो वहां जो आपको जेल इस समय सर सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है क्राइम का, चाहे कोई भी जेल हो, मेरे को आपका तो पता नहीं लेकिन पंजाब का यही हालत है, वहां टेलीफोन से फरौती भी वसूल होती है, वहां टेलीफोन से सब कुछ हो रहा है। अब दिल्ली से आपको पता ही है, तो सिद्धू मूसेवाला जी का कत्ल हुआ है तो उसकी तारे कहां जुड़ी है, तिहाड़ जेल दिल्ली, मंत्री वहां बैठ के डील करते हैं। तो सर आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सर जब आदमी नशे में जकड़ा जाता है वो अकेला नहीं मरता, उसका सारा परिवार उसमें मरता है, वो सबसे पहले अपने परिवार को टारगेट करता है, उसका सामान चोरी करता है, मां की बालियां बेचता है, बहन का सामान बेचता है, फिर जाकर वो गवंडी के तय करता है, फिर जाकर वो रास्ते वाले को लूटता है। सर मैं अब इसके हल की बात कहना चाहता हूं। सर ट्रक स्कैनर की मैंने आपसे बात की है, जो ट्रक स्कैनर की बात की है सर, ये तो नहीं लगा उसकी बात तो आपसे होगी है, लेकिन हमने व्यापार भी बढ़ाना है पाकिस्तान के साथ। एक तो जिन्होंने सर ट्रक स्कैनर गलत खरीदा है उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो सर 10 साल एक पाकिस्तान है, उसने पहले 13 में लगा दिए ट्रक स्कैनर अपने, दो लगाए हैं, हमने एक लगाया, 10 साल में हम कहते हैं हम उससे ज्यादा आगे हैं। हमें सोचना होगा कि ये कौन लोग हैं जो रोकते हैं, कौन लोग हैं, सेचो किलो हीरोइन यहां से आती है, हमारे इधर से भी आती है, आपको पता है कौन रोकता है? प्लीज कम गुड सर। एक तो सर नेशनल ट्रक पॉलिसी मजबूत करने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में जो जयशंकर जी ने मुद्दा उठाया है वो सर दोबारा ड्रग टेररिज्म का भी हमें उठाने की जरूरत है। सर एक सबसे बड़ी बात है सर, मानजोग हाई कोर्ट और मानजोग कोर्ट है हमारे, सर इनका न्याय प्रणाली बहुत धीमी है। पहली बात तो सर आम आदमी ड्रग पे गवाही नहीं दे सकता किसी के अगेंस्ट, ड्रग कहां होता है सर, जब जब्त हो जाता है तो एक जगह चला जाता है, अपने सिस्टम के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि समय पे बता सके कि ये कौन सा ड्रग है। सर दुबई में पकड़ा जाए, हांगकांग में पकड़ा जाए, एयरपोर्ट पे जो रिपोर्ट बनगी उसके आधार पे उसको सजा होगी, कोई गवाही की जरूरत नहीं है। हमें कानून में तब्दील करने की जरूरत सर, ये मैं थोड़े सुझाव में जरूरी है, HM साहब बैठे हुए हैं उनके बताना जरूरी है, क्योंकि सर हमें मशीनें एयरपोर्ट के ऊपर लगाने की जरूरत है, बॉर्डर के ऊपर लगाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट हेड में जहां पुलिस के है उसके अंडर मशीन दीजिए, और जो रिजल्ट उस समय आए उसकी एक कमेटी बनाकर उस रिजल्ट को अदालत में गवाही की तरह लिया जाए। सर दूसरी सर ड्रग की रिपोर्ट है सर, प्लीज कंट्रोल सर, ड्रग की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट में ड्रग की रिपोर्ट बंद लिफाफा पड़ी हुई है सर। सर मानजोग हाई कोर्ट रिपोर्ट नहीं खोलेगा तो कौन खोलेगा सर, 3-3 साल हो गए, उसकी पनाह पे बेल मिल जाती लोगों को, वो लोग मिल जाते हैं। अभी विक्रम जी को भी अभी वो कह रहे हैं हम नहीं है, मैंने बहन जी मैं ताड़ी गल कर, वो कह रहे हैं हम ड्रग्स में नहीं है, हम कह रहे हैं ये हैं, तो ड्रग्स की रिपोर्ट क्यों नहीं खोली जाती सर? सर रिपोर्ट खोली जाए, हो सकता वो नाम भी हो सर, वो हो सकता वो नाम भी हो भी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो ड्रग की रिपोर्ट आप खुलवाइए जो वहां है, क्योंकि डेली इस पे ऊपर बहस पंजाब में भी होती है, डेली इसके ऊपर बहस टीवी चैनल में भी होती है, लेकिन सर वो रिपोर्ट कौन खोलेगा? अभी हमें, मेरे को पता है मानजोग हाई कोर्ट को आप डायरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन एक कानून लेके आइए, एक समय सीमा तक जो एक बार क्राइम करता है या दो बार करता है उसको इजाजत दीजिए गवाही की, जो तीसरी बार क्राइम करता है, चौथी बार क्राइम करता है, उसके ऊपर इतना लंबा केस नहीं चलना चाहिए सर। हमें बचाइए इनसे, पंजाब को मार दिया इन्होंने, खोलो रिपोर्ट इनकी सर। उसके अलावा मैं कहता हूँ ये ऑनरेबल मेंबर श्री कलानी सर, सर जब तक बड़े 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 मतलब बड़े लोग को मगरमच्छ को आप नहीं डालोगे तो सर ये कैसे होगा? सर मैं ये बहन जी गुस्सा कर रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ गुस्सा क्यों करते हो। मैं सर चिट्टे का सबका इनके ऊपर इल्जाम प्लीज कम गुड सर, समय ये है अब हमें सर अभी जो नई सरकार है सर मैं कह तो रहा हूँ अभी देयर आर 7-8 मेंबर्स इन और हमारे है ना पंजाब कोई सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक तो पंजाब को एक रिलेट करने के लिए प्लीज कम गुड देयर आर सो मेनी अदर मेंबर्स इन
Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this very important discussion. Kalanidhi, Kalanidhi, please. Ajulaji, you, please, your last point. Sir, main last कह के रुक बंद हो. Last point. Sir, मेरी सर देखो देखो house में जो रोप लगते हैं उसकी बात करने की तो जरूरत है ना. इन्होंने बोला कि हमने इमरजेंसी में गिरफ्तारियां दी. सर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने स्तोक सिंह जी को बोला था कि आपको किसी सरदार को नहीं बंद किया था. जब उनको पता चला कि उन्होंने yes. उनके हक में बयान दिया. सर एक मिनट बात तो सर सुन लीजिए. हक में बयान दिया सर जी. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया अकाली दल से. और किसी ने इनको गिरफ्तारी देने के लिए नहीं बोला जी. अपने आप मरजीवड़ा सारा पंजाब बना दिया. इनकी वजह से पंजाब आज संताप भोग रहा है. नहीं तो इंदिरा गांधी ने उस समय बोला था स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आप जो चाहिए पंजाब ले ले. लेकिन हम इसके ऊपर काम खत्म करना चाहते हैं. लेकिन सर इन्होंने पंजाब को खत्म करके ये बार बार दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं. 10 साल चिट्टा इनके राज में बिकाए जो पंजाब. थैंक यू श्री कल्याण जी सर.